फरीद नवाज बलोच फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये नदानिया वाला बच्चा, ये अंग्रेजों के जमाने का बच्चा, ये हमसे दो गुना लगान लेगा। शादी में कुछ साल बाद शक्ल मैंने लगती है, आपकी तो अभी ज्यादा साल नहीं हुए, शक्ल रहती है। ये आप देखने के लिए बेइज्जती कर किसकी रही है? मैं समझ में हैरानी कर रही हूं कि उसकी बढ़ती है। अच्छी वाली बातें जो हमने वो लगेंगी, बाकी सब काट काट देंगे ना। सही है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये फराज नवाज साहब पहुंच चुके हैं ईद के दिन। ये मेरे वकार भाई हैं, क्या कह रहे हैं? ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक। अनजलना ने कहा है मुझे दूर से शूट क्या करें, मैं अब मास्क भी लगा दिया इन्होंने और दूर से भी शूट कर रहा हूँ। ये हमारी भाभी जान है, साहब को ईद मुबारक भाभी, कैसी हैं आप? तो ये इशाल हैं, ये राहिला भाभी हैं, ईद मुबारक। उस्मान भाई है हमारे, और अभी जो जो आते रहेंगे लोग, हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। ये दानिश साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक माशाल्लाह। काली कराएंगे माशाल्लाह, प्यारे लग रहे हैं यार। मुझे स्कूल याद आ गया इसको देख के मेरे भाई को। क्यों? हमारे स्कूल में चौकीदार बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अल्लाह अल्लाह, आप पता क्या करो बकर, इतर की रुई में ना इतर डाल के कानों में लगा दो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल बकार, बकार विद स्टाइल। ये यार सीधे से यार बकार बड़े लग रहा है। बकार बकार विद डॉक्टर बकार। दानिश साहब आ चुके हैं, फराज साहब भी आ चुके हैं, मेरी बहन, प्यारी बहन। अली चलना हो दूर से शूट करना है, दूर से अंजलना जब बात करेगी हम ऊपर चले जाएंगे। जय कुछ बोल रही थी अंजलना, अंजलना से जो बात करते हुए। अच्छा ओके ठीक है, हमें मसले नहीं सुनने। ओके ईद मुबारक सबको। कैसी ईद कैसी मनाई? नमाज का पढ़ी आपने? कौन सी मस्जिद पढ़ी नमाज? मस्जिद का नाम बताएं। कोकन ग्राउंड है, वहाँ पे हमने नमाज पढ़ी और माशाल्लाह मौलवी साहब इतने फास्ट थे कि हम एंटर हुए यूं करके निकल गए। हाँ जबरदस्त मौलवी साहब थे, बहुत अच्छा नमाज दुआ खुतबा कराया और बहुत स्पीड से कराया। आपने गाजी साहब नमाज कहाँ पढ़ी आपने? हमने यूनियन क्लब में पढ़ी है, जैसे जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद में भी नमाज थी, लेकिन कहते हैं कि मैदान में पढ़नी चाहिए नमाज। और कितने बजे पढ़ी नमाज आपने? सुबह 7 बजे पढ़ी। आपने फराज साहब कितने बजे नमाज पढ़ी? 6:15 बजे। सवा छः। मैंने नमाज पढ़ी 6:20 पे। और अंजना आप? मेरी तो सुबह सुबह 7 बजे मासी घर में आ गए। दीदी बोले बोले नहीं फिक्र नहीं करो, मैंने मुंह में मास्क लगाया हुआ। नहीं नहीं हाँ 6 बजे मासी बोलती रहे आप, 6 बजे मासी आ गई। मेरी सुबह 7 बजे मासी आ गई और मैं रात को जब के मेहंदी वेहंदी लगा के सुबह कितने बजे गई हूँ? 2:30 बजे गए थे। उसके बाद भाई सबसे प्यारी तो लग रही है मिस जारू। जारू मेहंदी दिखाए अपनी जरा। वाह बटरफ्लाई दिखाए। ओ माय गॉड यार सबसे बेस्ट मेहंदी जारू ने लगाई। शूज दिखाओ अपने। ओ माय गॉड, ओ हो नेल कलर नहीं लगाया आपने? नेल पॉलिश में बाहू पे। अच्छा चलो लगवाया है, नहीं लगा नहीं करना, जबरदस्त बाहू। ईद मुबारक। निदा भी आ गई है इस वक्त, ईद मुबारक। दाने से दुआएं दे रही है दोबारा। हाँ तो बड़ी भाभी है ना ये। क्या
भाभी वैसे मैं आपके उम्र में छोटा हूँ जब से फराज ने गांव में काम शुरू किया था चल रहा था फराज से कि बकार साहब कह रहे थे कि यार मैं दूसरी शादी कर रहा तो मैंने तो इसमें हर्ज नहीं है दूसरी शादी शरई हक है साहब भाभी ने भी परमिशन दी हुई है जी भाभी जी यार बड़ा बड़ा दिल है आपका यार निदा सीखो क्या परमिशन दी भाभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को क्या हंस रहे थे सारे भाइयों को दूसरी शादियों का इतना शौक क्यों रात के 3-3 बजे 2:30 बजे बायोडेटा ले रही होती है नहीं यार नहीं नहीं मैं सुना ही हूँ दरवाजे में कान लगा के मैं कहा शादी के असरात चल रहे हैं जो बायोडेटा ले रही है मैं आपको बात कर रहा था ये सिरी से बात कर रहा हूँ अभी हमने कहा ना कि इसने सबको बहने बनाया है आप डरे मत अरे मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है भाभी को फुल कॉन्फिडेंस है वकार से कि ये कुछ नहीं कर पाएगा दानिश अंजला एक्टिंग करेंगी तो कोई डायलॉग बता दे इनको कोई क्या बोलना चाहेंगी आप सॉरी हम आपके मरीज को नहीं बचा सकते डॉक्टर बना रहे हैं डॉक्टर हाँ सीरियस फराज बता रही हैं जी जी फराज डॉक्टर है अपना पेशेंट के जो अटेंडेंट है अब मैं डॉक्टर साहब मेरी बीवी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब देखे दुआएं करेंगे अल्लाह तकदीरें बदल देता है तो आपकी बीवी को भी आप इतनी खुशी हो रही है बीवी बीमार है और आप खुशी हो रही है आप क्यों डॉक्टर आप पहले बता दिए हॉस्पिटल नहीं आते मस्जिद चले जाते मरीज को लेकर आपकी ओवर एक्टिंग देखकर मुझे हंसी आ रही है मुझे लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ किसी घर में बैठी हुई हूँ आप बेफिक्र है परेशान है हम है ना आप हम पर छोड़ दीजिए हमारी बीवी के पास आप हैं आपकी बीवी हमारे महफूज हाथों में आप बेफिक्र फील दोबारा रोल एक्शन सॉरी मैं बिजी थी क्या था आपने आप सर्जरी कैसी है हाँ बस वो दुआ करें तो ठीक हो जाए नहीं वो डॉक्टर साहब आप मुझे पेशेंट खुद क्या पेशेंट के साथ जो होते हैं वो ही इतना ओवर एक्टिंग कर रहे तो डॉक्टर क्या करें कट 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 यस कट फेल नो भाई एक बार फिर से कैमरा रोल सिंगर है और ऑडिशन देने आएंगे गाना गाएंगे गाने का इनको बहुत देर डायरेक्टर ने वेट कराया है तो अब ये गुस्सा करेंगे डायरेक्टर पे कैमरा रोल एक्शन मेरी बारी कब आएगी मैं सिंगिंग करना चाह रही थी देखें अभी क्यों में लोग लगे हुए आप एंटर हो गए अब कोई आप सुर सुनाए सर मैं सुबह सुर सात सुर सर मैं सुबह से वेट कर रही हूँ आप सुने मेरे को गाना सुन रहे हैं चलें गाना सुनाइए सुनाइए गाना गाना सुनेंगे कौन सा गाना सुनना पसंद कर ये हमारी जो सुर है ना सात सुर वो सुना सा रे गा पा पानी माउस पानी हो रे माँ क्या कह रही भाभी आप लोगों को एक बात बताओ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ मेरे भाई यासर नवाज की हुआ ये मैं फराज के साथ असिस्ट करती थी
तो यासर ने मुझे कहा मैं नादानियाँ बना रहा हूँ, अंजना को कास्ट कर रहा हूँ। मैं बड़ी खुश, लेकिन बोले नहीं यार वो फराज डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तो काम कर रही है ना, मतलब मुझे ऐसे हीरो बना दे। मैं खास सपने देख रही हूँ, यासर के नादानियाँ में लेगा, यासर मेरे नादानियाँ में लेगा। तो ये इस तरह से मेरे भाई मेरे बनाते हैं। वो एक्टर है जो सोफे में बैठे बैठे सीनियर हो गया। मैं फ्लॉप इंशाल्लाह सही है। नहीं मुझे अंजना के मैं फैंस बन गए भाई। एक बैंक से एक मैनेजर का फोन आया, खातून का। अच्छा। कहती बहुत क्यूट है आपकी बहन। ओ वाओ। मुझे मिलने चले। थैंक यू जी। ये था अंजना का ऑडिशन और आप लोग फैसला करेंगे कि क्या इनको एक्टिंग में आना चाहिए या एक्टिंग या सिंगिंग में आना चाहिए या बस हमारी बहन ही रह अच्छा है। ये बताएं कि एक ड्रामा आपको ऑफर कर रहा है यासर नवाज, एक ड्रामा आपको ऑफर कर रहा है दानिश नवाज, और दोनों से एक चूज करना है आपको, और कौन सा ड्रामा चूज करेंगी? यार ये तो दोनों ही अच्छे, इसके भी ड्रामे सुपर हिट जाते हैं, यासर के भी। अब मैं तो फंस गई। नहीं तो आप दोनों ही करेंगी, दोनों नहीं करेंगी, इसका मतलब सही है। मैं तो नहीं कर सकूंगी, डन हो गया, डन हो गया। दानिश कास्ट करेगा, डन। थैंक यू भाई। चलो भाई मैं साइड में हो गया, आईना मुझे नहीं बोलना। ओके फैसला हो गया भाई। आप लोग फैसला करें, आवाम फैसला करे कि मुझे टीवी पे आना चाहिए या आप नहीं। आप इलेक्शन लड़ने जाइए। कहा ये सुबह कह दी मैं मुझे व्लॉग मत में मत लेना है सर। कहा ये 25 मिनट से कहा ये मास्क पहनी हुई है, मास्क कर गया, बालों से पूछ छुपाया हुआ है। हां ये 25 मिनट से बातें कर रही है और मैं इतना क्लोजअप शूट कर रहा हूं। खुशी इस बात की लगेगा नहीं ये सब। उनको ईद मुबारक। ये निदा के अब्बा भी आ गए हैं इस वक्त, नाना साहब आ गए हैं और खाना भी लग चुका है इस वक्त। ये है क्या, ये पास्ता? ये रेड पास्ता है, पास्ता है, ये मक्खनी हांडी चिकन है, ये मटन है, ये मटन की कढ़ाई है, ये गोश्त की कढ़ाई है और बिरयानी बिरयानी रास्ते में है, वहाँ घर किचन से आ रही है यहाँ पर। तो आज भाभी जो मिसेस ताबिश हेरा भाभी की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत हजार ये दस 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 भाई नहीं सारे काटने सारे, हाँ हाँ सारे काटने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे नाइल, हाँ नाइल आ जाओ, सही है सही, आ जाए आ जाओ नहीं आ जाओ। एक एक रह गया नाइल, चलो आ जाओ नाइल, वो नाइल वो है, अच्छा वो रहा नाइल वो है, ये तो इसकी मेहरबानी है, नाइल और आयल कर दिया, वरना नाइल वन नाइल टू कर देता। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nail, happy birthday to you. हाँ खीर साहब हैं और भाभी हैं, अस्सलाम वालेकुम। बर्थडे है आज और ये तीनों केक जो है ताबिश खुद लेकर आए। मैं हाँ यहाँ और ये 12 साल में ऐसा मौका आता है हाँ ये इसीलिए। और मैं आपको बताऊँ 12 साल में आपसे गले लग रही है, और बर्थडे एक दिन मेरी सालगिरह और ईद एक ही दिन हो, आखिरी बार 800 साल पहले आया था। हाँ 800 साल, हाँ हमारी जब शादी हुई थी तब भी हमारी ईद और शादी एनिवर्सरी एक ही दिन। अच्छा यार ये बड़ी बात है यार, क्या नेकी की है तुम लोगों
यार गरीबों को बहुत खाना चाहिए। शादी के कुछ साल बाद शक्ल बनने लगती है आपकी, तो अभी ज्यादा साल नहीं हुए, शक्ल रहती है। ये आप देखने के लिए बेइज्जती कर किसकी रही है? क्या गिफ्ट क्या दिया था भाभी? क्या गिफ्ट किया था उसने? नहीं गिफ्ट नहीं दिया, बताओ प्लॉटों का, बताओ गाड़ियों का, बताओ जो नहीं टाउन में प्रेजेंट 16 में अभी नई स्कीम है, शादाब टाउन, शादाब शादाब टाउन में 80 गज का ओपन। वाह वाह जबरदस्त। रोड पर छोटू का है, उसका पुशाई ये ईदी भाई मोहम्मद की ईदी, ये मोहम्मद अली की ईदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अली और भाभी आपकी ईदी, मेरी बहन प्यारी जो वीडियो बना रही है उनके लिए ईदी, थैंक यू शुक्रिया, भाभी की ईदी और भाभी आपके लिए ईदी, भाभी यार छोटे भाई छोटा भाई छोटा भाई ईदी मेरी तरफ से। Oh my God, दो एनवलप चाहिए, एक में नहीं। दो एनवलप चाहिए, ये दो नाम लिखवाया है, क्या लिखा है? यासिर की दुल्हन वन लिखा है, दुल्हन वन वन भी लिखा है, वन भी लिखा है, मरते दम तक ही रहेगी। चलो निदा, निदा की बेहद फरमाइश में निदा को दो एनवलप मिलेंगे, सस्ते में मैं नहीं छूटूंगी। सही है, क्या हो गया? खाली है, एक खाली है। नहीं नहीं वो दो है, भरे हुए दोनों। दानिश साहब आज बड़े भाई को ईदी देगी या दानिश? वाओ ये साइड में देखा, ये नदानिया वाला बच्चा, ये अंग्रेजों के जमाने का बच्चा, ये हमसे दो गुना लगान देगा। थैंक यू दानिश साहब, ईद दे रहे हैं और इस बार दानिश भाइयों को भी ईद देगा। That's 500 बाबा। कोई बच्चा रहा नहीं? कोई रह गया? तो जुनैद आपको ईदी मिलती है? मुझे देनी पड़ता है, देनी पड़ती है। है है है, बड़ा दुख भरा जवाब है ये ना। दानिश भाभी मैं खानदान का सबसे छोटा हूँ, लेकिन भाभियाँ मेरी बहनों की जगह है, तो भाभी ईद मुबारक। मेरी प्यारी बहन, भाभियाँ बहनों की जगह, मैं तो सगी बहन हूँ, सगी बहन हूँ, मुझे तो ज़्यादा। भाभी मुबारक, ईद मुबारक। अरे ये तो भाभी नहीं है, घर वापस। ओ मेरा मुझे ज्यादा फायदा हो गया कराची में, मुझे लाहौर नहीं जाना चाहिए, मुझे कराची में ही रहना चाहिए। अब आप नेक्स्ट में बनाएगा, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छी लगी आपकी लोकेशन। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग के, जब रिकॉर्डिंग खत्म होगा उसको फिर वापस कर दी, वापस कर। यार वैसे जब ये बालाज बोलते नीचे आप सबटाइटल चलाते हो या वैसे ही जाने देते हो? क्या लोग समझ जाते हैं? 12 किलो पानी, ईद मुबारक। आज मैं शुरू करूं आपको, थैंक यू तो बोलो, थैंक यू, थैंक यू। या आपकी ईदी, या आपकी ईदी, और दारू को तो ईद की जरूरत ही नहीं है। मेरी ईदी दे दो फरार छोटे भाई को, जान आपकी जान, आप सबसे मिलो पे कम मुलाकात। ये देखिए इससे खेल रहा है जुनैद का बेटा है, और इसने रास्ता बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ये देखिए।
कबाब ये ट्रेन आ रही है एक्सप्रेस ये इसने एक ट्रैक बनाया हुआ है ग्रीन लाइन अच्छा इसके साथ खेल रही है खेल उसके साथ रहा है पूरा चक्कर लगा ग्रीन लाइन थैंक यू भाभी थैंक यू सो मच आपका ईद मुबारक आपको मजा आया खाना बहुत मजे का था आपको कुछ कहना है लोगों से कुछ कहना है बहुत मजा आया खाने का बहुत मजा आया और इतनी गप्पे हमने लगाई मजेदार जो कुछ अच्छी वाली बातें हमने वो लगेंगी बाकी सब काट काट देंगे ना सही थैंक यू जुनैद भाभी थैंक यू आपका जल्दी करो यार देर हो रही अरे माची कर दो जल्दी से जल्दी करो उठाओ थैंक यू चलो भाई ईद का दिन ख़त्म हुआ मेहमानों के साथ मैं ददियाल के साथ ख़त्म हुआ अब एक पोर्शन होगा ननियाल के साथ तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ कहेंगी निदा बहुत मज़ा आया बहुत रौनक रही और अपनों के साथ ईद का मज़ा आता है वकार साहब आप कुछ कहेंगे आपके पास है बहुत मज़ा आया बहुत हर दफ़ा की तरह मज़ा थैंक यू बराज साहब भाई ईद का बहुत मज़ा हमेशा की तरह मज़ा आया मगर एक चीज़ की कमी रह गई है कि हम सब मिलके वो बा आवाज़ बुलंद कहते हैं कि फरीद नवाज साहब की तरफ से सबको ईद मुबारक वो कहेंगे ना कहेंगे वो भी कहेंगे फरीद नवाज बलोच फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक देखिए हम जब सब मिलते हैं फैमिली ने तो हंसी मजाक और उसमें हम ये नहीं देखते कि हम अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं तो आप लोग एडिट नहीं होगा मुझे फोन करके बताती है कि मैं बुरी लग रही थी हम ये नहीं देखते अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं फोन पे आप हमारी बात लगाती हो नहीं तो भाई आप ये सोचो क्यों मैं ये लगाई हूं थैंक यू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका शुक्रिया खुदाफिज़ ईद मुबारक दानिश साहब कुछ कहेंगे आप मैंने भी अपनी बहन की वजह से चश्मा लगा दिया ताकि वो अकेली अंधी ना लगे दोनों लगे तो भाई क्या कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए लोग हैदराबाद या अपने अपने शहरों में गए होंगे जो जो लगवा अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पे उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक थैंक यू चले जी हमारा ही जो भाई बहन वाला भाभियों वाला जो ब्लॉग वाला पोर्शन ख़त्म हुआ है अब अगला नेक्स्ट पोर्शन होगा निदा के भाई बहन और फैमिली का वो भी आपको देखिएगा हमारी तरफ से ईद मुबारक फरीद नवाज प्रोडक्शन की तरफ से और निदा की तरफ से मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक अल्लाह हाफिज़ बाय बाय तो जी अब हम जा रहे हैं ननियाल की तरफ और पूरा दिन आप लोगों ने देखा कि ददियाल आया हुआ था अब ननियाल की तरफ जा रहे हैं वहाँ भी चिट चैट करेंगे मुलाकात करेंगे